मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले गैर मुल्कियों को मुसल्ला अफवाज में भर्ती करने का ऐलान। कैनेडियन वजारत दिफा का कहना है कि कैनेडियन अफवाज मुस्तकिल रिहाइशियों की हौसला अफजाई करेगी। मुस्तकिल रिहाइशी अफराद कैनेडा का एक अहम और बेहतरीन हिस्सा है। रूस के जेरे इस्तेमाल ईरानी ड्रोन्स के साथ कैनेडियन पुर्जे दरियाफ्त, तहकीकात शुरू कर दी गई। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि ईरानी ड्रोन में कैनेडियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तहकीकात कर रहे हैं। हसास टेक्नोलॉजी के लिए बरामदी लाइसेंस का सख्ती से इतलाक किया जाएगा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में COP15 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हमारा माहौल खतरे में है। माहरीन का कहना है कि ये ज़मीन की बका की आखिरी कोशिश हो सकती है। अमरीकी अदालत ने सऊदी वली अहद शहजादा सलमान को बड़ा रिलीफ दे दिया। अमरीकी अदालत ने सऊदी वली अहद के ख़िलाफ़ खशोगजी कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगजी 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिए गए थे। रूस और यूक्रेन ने डोनेस्क में तबाही मचा दी। गोलाबारी में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। रूसी सदर बमबारी के बाद पहली मरतबा क्रीमिया पुल पर पहुँच गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क के शहरियों के अलावा अब मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले अफराद के लिए मुसल्ला अफवाज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले गैर मुल्कियों को मुसल्ला अफवाज में भर्ती करने का ऐलान किया गया है। कैनेडियन वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क के शहरियों के अलावा अब मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले अफराद के लिए मुसल्ला अफवाज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कनाडा की फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ऐलान करते हुए कहा गया है कि अगर आप कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी हैं तो हम आपके साथ काम करके आपके लिए सही करियर का इंतखाब करके आपकी रहनुमाई करना चाहेंगे, ताकि आप भी मुल्क की खिदमत कर सकें। इस हवाले से जारी एक और बयान में कनाडा की वजारत दिफा का कहना था कि मुल्क में रहने वाले मुस्तकिल रिहायशी अफराद कनाडा का एक अहम और बेहतरीन हिस्सा है। यहाँ मुकीम मुस्तकिल रिहायशी अब कैनेडियन फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं। वजारत ने वाज़े किया है कि जो अफराद फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें कैनेडियन शहरियत दिलाना तरजीहात में शामिल है और शहरियत दिलवाने में उनकी मदद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक कैनेडा के अलावा किसी और मुल्क के शहरी जिनके पास इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्शन एक्ट के तहत मुस्तकिल रिहाइश मौजूद है, वो अफवाज में मुलाजमत के अहल होंगे। वजारत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि कैनेडियन अफवाज मुस्तकिल रिहायशियों की हौसला अफजाई करेगी कि वो फौजी करियर पर संजीदगी से गौर करें। कैनेडा अपनी अफवाज में खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद को मुल्क की शहरियत दिलवाने में भी मदद करता है और उन्हें शहरियत देने में फौकियत दी जाती है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस रिपोर्ट पर इंतहाई फिक्रमंद है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले ईरानी ड्रोन्स में कैनेडियन साख्ता पुर्जे दरियाफ्त हुए हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस रिपोर्ट पर इंतहाई फिक्रमंद हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले ईरानी ड्रोन्स में कैनेडियन साख्ता पुर्जे दरियाफ्त हुए हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा के हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर तैयार किए गए पुर्जे ईरानी ड्रोन तक कैसे पहुंचे जिन्हें रूस यूक्रेन में अपनी जंग में इस्तेमाल कर रहा है। ट्रूडो ने कहा कि हम यकीनन इन रिपोर्ट्स पर बहुत फिक्रमंद हैं। हम नहीं चाहते कि रूस की यूक्रेन में गैर कानूनी जंग में या ईरान से तआवुन में कैनेडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यूरोपीय स्टेट वॉच की तहकीकी मरकज के कारकुनों और कीव के हुक्काम को शाहिद 136 में मगरबी कंपनियों के तैयार करदा 30 टुकड़ों में से ओटावा में वाकया टेल्समैन वायरलेस कंपनी के तैयार करदा एंटीने के अज्जा मिले हैं जो ड्रोन लॉन्च किए गए। ये रूस के हथियारों का एक हिस्सा है। ट्रूडो ने कहा कि हम यकीनन इन रिपोर्ट्स पर बहुत फिक्रमंद हैं। हम नहीं चाहते कि रूस की यूक्रेन में गैर कानूनी जंग में या ईरान से तआवुन में कैनेडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि हसास टेक्नोलॉजी के लिए बरामदी लाइसेंस का सख्ती से इतलाक किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि हम इस कंपनी के साथ ताकुब करेंगे, इस बात का तायुन करने की कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह ख़त्म होने चाहिए जिन्हें ईरानी हुकूमत के दस्तरस में पहुंचकर ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी टैलिसमैन वायरलेस तहकीकात में मुकम्मल तआवुन कर रही है। ओटावा ने हाल ही में कई ईरानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं जो ड्रोन तैयार करती हैं। वाज़े रहे कि शाहिद 136 को शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है जो दो ईरानी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में से एक है, जिस पर कैनेडा ने रूस को मुबैना तौर पर मोहलिक ड्रोन की सप्लाई करने पर गुज़िश्ता माह पाबंदी आयद की थी। इन इत्तलात की तरदीद के बाद कि वो मास्को को सप्लाई कर रहा है, ईरान ने पहली बार 5 नवंबर को तस्लीम किया कि उसने 24 फरवरी की जंग शुरू होने से पहले मास्को को ड्रोन भेजे थे। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में COP15 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि माहौलियात खतरे में हैं। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि माहौलियात खतरे में हैं। कैनेडा के शहर मॉन्ट्रियल में COP15 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। 196 ममालिक के मुज़ाकरात कार अगले 14 दिनों के लिए मॉन्ट्रियल में हैं, जहाँ उनसे तवक्को की जा रही है कि वो एक मुहैदे पर दस्तखत करेंगे। कुदरती माहरीन का कहना है कि ये ज़मीन की बका की आखिरी कोशिश हो सकती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद उन अवामिल की रोकथाम है जिनसे दुनिया को हयातियाती तनों के बहरान का सामना है जो इंसानी सेहत को ख़तरे में डाल रहा है, खुराक की अदम तहफ़ में हिस्सा डाल रहा है और मौसमियाती तब्दीली को बढ़ा रहा है। तकरीर शुरू होने से कबल नस दर्जन मकामी अफराद ने कैनेडियन वजीर अजम जस्टिन ट्रूडो की तकरीर में रुकावट डाली। जस्टिन ट्रूडो ने तकरीर दोबारा शुरू करते हुए कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कनाडा इजहार आज़ादी राय की सरजमीन है, हम एहतजाज करने वालों के शुक्रगुजार हैं कि वो अपना मौका हमारे सामने लाए। ख्याल रहे मस्कूरा कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाली COP27 से अलग है। 7 से 19 दिसंबर तक होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 200 के लगभग मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए हैं और माहौलियात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर अक्वामे मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि कारोबारी मुनाफे के लिए माहौलियाती निज़ाम से खेलने के तबाहकुन नतायज बरामद होंगे। अमरीका की अदालत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सहाफी जमाल खुशुकजी कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीका की अदालत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सहाफी जमाल खाशकजी कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने अमरीकी हुकूमत का मोहम्मद बिन सलमान को इस्तिस्ना हासिल होने का मौकफ तस्लीम कर लिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन बीट्स ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के सहाफी के कत्ल में मुलविस होने की मजबूत दलील दी गई, लेकिन सऊदी वली अहद इस्तिस्ना के हकदार हैं। जमाल खाशकजी केस खारिज किए जाने के बाद सऊदी वली अहद अब आज़ादाना अमरीका जा सकेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जमाल खाशकजी कत्ल केस में वाशिंगटन के फेडरल जज ने अमरीकी हुकूमत के इस मौकफ को तस्लीम किया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें सितंबर में सऊदी अरब का वजीर आजम नामजद किया गया था, बतौर गैर मुल्की सरबरा अमरीकी अदालतों में इस्तिस्ना हासिल है। फेडरल जज का कहना था कि सहाफ़ी जमाल खाशकजी की बीवा ने सऊदी वली अहद के कत्ल में मुलविस होने के हक़ में मौसर दलाइल दिए, ताहम उनके पास अमरीकी हुकूमत का मौकफ रद्द करने के इख्तियारात नहीं। वाज़े रहे सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी को 2018 में तुर्की में वाक़ सऊदी सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था।
मशरिकी यूक्रेन के शहर डोनेस्क में रूसी और यूक्रेनी अफवाज की गोलाबारी से तबाही मच गई, जबकि रूस के सदर खुद गाड़ी चलाकर मुल्क को क्रीमिया जजीरे से मिलाने वाले पुल पर पहुंचे और वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों से बातचीत की। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मशरिकी यूक्रेन के शहर डोनेस्क में रूसी और यूक्रेनी अफवाज की गोलाबारी से तबाही मच गई, जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खुद गाड़ी चलाकर मुल्क को क्रिमिनल जजीरे से मिलाने वाले पुल पर पहुंचे और वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों से बातचीत की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनेस्क में रूस और यूक्रेन की अफवाज ने गोलाबारी करके इमारतें मलबे का ढेर बना दी। गोलाबारी में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रूसी हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज मिसाइल हमलों में यूक्रेन के कमांड सिस्टम को निशाना बनाया गया। डोनेस्क में रूस की जानिब से मुकर्रर करदा मेयर ने मीडिया को बताया कि यूक्रेन की जानिब से सिटी यूथ सेंटर पर बमबारी से 6 अफराद हलाक हो गए। मेयर एलेक्सी कॉलिंसन ने कहा कि यूक्रेन के फाशिस्टों के पास कोई मुकदस चीज़ बाकी नहीं रही, वो औरतों बूढ़ों और बच्चों को सर्द नहरी से कत्ल करते रहते हैं। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला भी जारी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 60 जंगी कैदी रिहा किए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खुद गाड़ी चलाकर मुल्क को क्रिमिनल जजीरे से मिलाने वाले पुल पर पहुंचे और वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों से बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वही पुल है जहां 2 माह कबल यूक्रेन से जंग के दौरान खौफनाक धमाका हुआ था, जिससे ऑयल टैंकर्स के काफिले को आग लग गई थी। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन के साथ डिप्टी वजीर आजम मराद हॉस्नल भी मौजूद थे। दोनों वहां मर्सिडीज गाड़ी में पहुंचे थे। सदर पुतिन पुल के मुख्तलिफ हिस्सों पर पैदल सफर करते हुए जायजा लिया और पूछा कि कहां धमाके हुए थे। याद रहे कि यूरोप का सबसे बड़ा पुल है, जिसके कुछ हिस्से अब भी जले हुए दिखाई देते हैं। 19 किलोमीटर के इस पुल से ट्रैफिक और ट्रेन बैक वक्त गुजर सकती है। इस पुल का इफ्तिताह 2018 में खुद पुतिन ने किया था। यूक्रेन ने अभी तक इस पुल पर होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जो कि सदर पुतिन की 17वीं सालगिरह के अगले रोज हुए थे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।